प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर यूपी टेट से संबंधित क्लास चल रही है, जो अभी आपका 28 को पेपर है नवंबर को। तो ज़्यादा समय तो आपके पास है नहीं, क्योंकि इसके बाद यदि तुरंत भर्ती प्रक्रिया आती है तो आपको मुश्किल से एक महीने का समय देगी पूर्ववत परीक्षाओं को देखते हुए। एक महीने में आपको 14-15 विषय पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए जितना डीपली इधर पढ़ लेंगे उधर आपके लिए आसान होगा। नए नए सब्जेक्ट को पढ़िएगा सुपर टेट में। लेकिन उससे पहले अभी तक हमने प्रयत्न को जाना, उच्चारण स्थान को जाना, वर्णों को जाना। अब उसी क्रम में अब हम आते हैं माहेश्वर सूत्र की तरफ, क्योंकि अब आगे जो है कुछ संज्ञा प्रकरण पढ़ाए जाएंगे, कुछ संधि पढ़ाई जाएंगी। तो उससे पहले हमें माहेश्वर सूत्र को जानना अनिवार्य हो जाता है। और माहेश्वर सूत्र इसलिए पढ़ना आवश्यक होता है कि जैसे हमें ABCD या इंग्लिश का ज्ञान चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, तो ABCD का ज्ञान होना चाहिए, उसके स्वर का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी को जानने के लिए हिंदी की वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह संस्कृत भाषा को समझने के लिए, जानने के लिए, व्याकरण को समझने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दूसरों तक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए थोड़ा माहेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। माहेश्वर सूत्र आखिर है क्या? माहेश्वर सूत्र शंकर जी के डमरू से निकला है। शंकर जी का अपर नाम महेश है, महेश से माहेश्वर बना अण प्रत्यय लग कर, तो इस बन गया माहेश्वर सूत्र। और इसे शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। कई सारे नाम हैं इसके, तो आप केवल इतना जानिए कि पाणिनि ने इन सूत्रों को लिखा है, कठिन तपस्या की है। और तपस्या की उसके बारे में एक श्लोक है कि नृत्यावसाने नटराज राजो, माने नृत्य के अवसान पर, माने समाप्ति पर। कौन? नटराज राजो, नटराज के जो राज है अर्थात शंकर जी। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच बारम। ननाद माने बजाया, ढक्का माने डमरू को, नौ और पाँच होता है 14 बार डमरू को बजाया। उद्धर तो काम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। सनक आदि एक ऋषि है, तो उद्धर तो काम माने सनकादि ऋषियों के उद्धार के लिए एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, भगवान शंकर ने इस शिव सूत्र जाल की रचना की। क्लियर हो गया? अब उस 14 सूत्र से लिखा गया, इसे चतुर्दश सूत्र भी कहा, क्योंकि इसमें 14 सूत्र हैं। पहला सूत्र है अयोण रिलरिक एओ ऐ औच है वरट लण यमणनम झभ है घड़धस जब गढ़धस खप है छठत चटताव कपय सक्षर हल। ये 14 सूत्र हैं। और इस सूत्र की विशेषता है कि आपको वर्णमाला में यह आगे पीछे देखिए, अभी आपने क ख ग घ ङ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर सब वर्ण उल्टे पुल्टे हैं। और इसका भी एक वैज्ञानिक है, इसमें वैज्ञानिक कारण है, विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि हम सूत्र शैली पढ़ रहे हैं, लिखा ही है सूत्र। सूत्र का अर्थ ही होता है संक्षेप में कहना। जैसे प्रथम 4 सूत्रों में 1, 2, 3, 4 अर्थात अयुण के अ को ले लेंगे और यहाँ एओच के च को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? च को ले लेंगे, बन जाएगा अच। अयुण का अ लिया, एओच का च लिया, अब इस अच से क्या बोध होगा? अ का बोध होगा, ई का बोध होगा, ऊ का बोध होगा, री का बोध होगा, लरी का बोध होगा, ए ओ ऐ और औ। कहने का तात्पर्य है अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आते हैं, इसीलिए स्वर जो हिंदी में हम स्वर कहते हैं उसे संस्कृत में अच कहते हैं। समझ में आ गया? हिंदी में जो हम स्वर कहते हैं उसे संस्कृत में अच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई ऊ री ए ओ ऐ औ आते हैं,
और इनकी संख्या है 9। इनकी संख्या कितनी है? 9। प्रश्न बनेगा संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? 9। समझ में आ गया। दूसरी चीज, आपको लगता होगा ल क्यों नहीं लिया, क क्यों नहीं लिया, ङ क्यों नहीं लिया। एक सूत्र आता है हलंत्यम, हलंत्यम से इति संज्ञा हो जाएगी, और एक सूत्र आएगा लोप करने वाला, तस् से लोप है। जो व्याकरण के ज्ञाता होंगे वह अदर्शनम लोप है, माने लोप है, बस वहाँ पर वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे अ ई उ के बाद अड़ा था, लोप हो गया लेकिन वह हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, इसे अदर्शनम लोप कहते हैं। लोप का मतलब नहीं होता कि नाश हो जाना, केवल अदर्शन है, यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो फिर डर आ जाएगा। आपको यहाँ साधारण सा समझना है कि अंतिम हलंत वर्णों की हम गणना नहीं करते, क्योंकि इसकी इति संज्ञा होती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है। पाणिनी महोदय ने जितनी भी संज्ञाएँ बताई हैं उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा। तो पहला प्रयोजन इति संज्ञा का देख लो, इति संज्ञा इसीलिए हलंत्यम सूत्र से इसकी इति संज्ञा हो गई, क्योंकि तस्य लोप से लोप कर दी। और जब इनका लोप ही करना था, इनकी गणना ही नहीं करनी थी, तो सूत्र में क्यों कहे गए? तो एक ही जवाब है, हम कहाँ तक के वर्णों की गणना करें, इसीलिए हलंत वर्णों की आवश्यकता पड़ी। हम कहें अक, यदि हलंत वर्ण न होते तो कहाँ तक लेते, इसीलिए अक कहा गया। अक से अ ई उ री लृ का बोध होगा और अंतिम दो वर्ण क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। और समझ में आ गया कि प्रथम चार सूत्रों में स्वर कहे गए हैं, उसके बाद पांचवें सूत्र के ह को ले लीजिए और अंतिम हल के ल को ले लीजिए, तो यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि है वरट से हल तक के बीच जितने आते हैं संपूर्ण व्यंजन आते हैं। कितने? संपूर्ण व्यंजन आते हैं। इसीलिए जो हिंदी में हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं, संस्कृत में उसे हल कहते हैं। समझ में आ गया अच क्या है, हल क्या है, क्लियर हो गया। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। आप गिनेंगे 34 आएगा, क्योंकि ह की दो बार गणना है। कुछ जो है पाणिनी जी को अट में ह चाहिए था, कुछ जो है उन्हें नीचे वाले सूत्रों में ह चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर दो प्रयोजन किया गया। अगर जो लोग अलग अलग मानते हैं उन्हें बताना पड़ेगा किसका अभ्यंतर प्रश्न क्या है, इसका क्या है, यह कहाँ से उच्चरित होता है, यह कहाँ से उच्चरित, जो दो मानते हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उनसे यह प्रश्न है कि वह ह को यदि दो मानते हैं, 34 वर्ण मान रहे हैं, तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा ये ह कहाँ से उच्चरित होता है, इसका अभ्यंतर प्रश्न क्या है, इसका बाह्य प्रश्न क्या है, कौन सा वर्ण है, ये सब चीज़ें क्लियर कर दें तो हम मान जाएंगे कि दोनों ह अलग अलग हैं। वो सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह और वह हैवरट का ह और हल का ह एक ही है, इसीलिए 33 व्यंजन है। यहाँ तक समझ में आ गया। प्रत्याहार भी आप बनाना जान जाएंगे। हमने कहा अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार में इस अ को लेंगे और अंतिम क तक जाएंगे। इसके बीच में एक सूत्र आएगा आदिरंतेन सहिता, कि आदि वर्ण और अंतिम वर्ण को लेकर हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार में हलंत वर्ण को छोड़ देते हैं, अ ई उ रे ले, ये अक प्रत्याहार में आएगा। उसी तरह इक प्रत्याहार होगा तो ई से प्रारंभ करेंगे, क तक जाएंगे तो ई उ रे ले इक प्रत्याहार में आएगा। इसी तरह एच प्रत्याहार है, ए से प्रारंभ करेंगे च तक जाएंगे तो एच प्रत्याहार हो जाएगा, तो ए ओ आई औ आएगा। इसी तरह सर प्रत्याहार है, स से जाएंगे र तक जाएंगे, तो अर्थात तीनों स आएंगे, र की गणना नहीं होती, हमने बता दिया इति संज्ञक है। जस प्रत्याहार है, ज से प्रारंभ करेंगे जब गटस के स तक जाएंगे तो ज ब ग ड द आएगा, अंतिम वर्ण की गणना नहीं करेंगे, प्रथम वर्ण की गणना करेंगे, हलंत वर्ण की गणना नहीं करेंगे, क्लियर हो गया। तो जस प्रत्याहार में तीनों सभी वर्गों के तीसरे अक्षर हैं, सर में तीनों स हैं, और एक चीज़ और जान लीजिए, यह अ ई उ ऋ ल ॠ यह मूल व्यंजन क्षमता मूल स्वर है, ए ओ ऐ औ यह संयुक्त स्वर है, अर्थात यह दो वर्णों से मिलकर बने हैं। तो आज ये माहेश्वर सूत्र की चर्चा हो गई कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं, और कुल मिलाकर इनसे 42 प्रत्याहार बनते हैं, क्योंकि 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। जब 9
और 33 को प्लस किया जाएगा तो 42 हो जाएगा, अर्थात पूरे माहेश्वर सूत्र में 42 वर्ण है, इसीलिए 42 प्रत्याहार बन, प्रत्याहार बहुत बन सकते हैं, लेकिन जो हमारे व्याकरण शास्त्र में जिन जिन प्रत्याहारों की उपयोगिता हुई है या उपयोग किया गया है उन्हीं उन्हीं प्रत्याहारों को हम पढ़ते हैं, उससे अलग बनाएंगे उसका ना कोई प्रयोजन है, तो बेवजह उसको याद करना पढ़ना कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए 42 प्रत्याहार का उपयोग है, तो 42 प्रत्याहार को हमें जानना चाहिए। जैसे हमने कहा अल, अल में संपूर्ण स्वर और व्यंजन आते हैं, अल प्रत्याहार में अ से हल के ल तक जाएंगे तो वहाँ पर संपूर्ण व्यंजन आते हैं, तो ये हमारा माहेश्वर सूत्र रहा। अब आगे के वीडियो में, आगे के वीडियो में अब आपको जो है यहाँ से संज्ञा प्रकरण पढ़ाया जाएगा, कौन सा संज्ञा प्रकरण, और पाणिनि महोदय ने जितनी भी संज्ञाएं की हैं उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है, जैसे ये तो संज्ञा हो गई तो इस संज्ञा का प्रयोजन था कि उसका हमें लोप करना है, उसका हमें लोप करना है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बस बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही, नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।